हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज कटहल विवादों के घेरे में घिर गई है, जहां वेब सीरीज को लेकर वंशकार समाज के द्वारा कटहल वेब सीरीज को बैन करने के लिए विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में वंशकार महासभा के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कटहल वेब सीरीज को बैन करने की मांग करते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। जहां भाजपा अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने बताया कि जिस प्रकार से हाल ही में आई कटहल वेब सीरीज में वंशकार समाज को लेकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उससे पूरे देश के वंशकार समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं कटहल वेब सीरीज को बैन कर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर कार्रवाई की मांग की गई है। अगर सीरीज को बैन नहीं किया जाता तो वंशकार महासभा उग्र आंदोलन करेगा। वंशकार समाज के लोग काफी तादाद में इकट्ठा होके कटहल फिल्म जो एक वेब सीरीज के रूप में बनी है, 1 घंटे 55 मिनट की है, उस फिल्म में हमारे समाज का नाम एक महिला इंस्पेक्टर को देके उसे अपशब्दों का उपयोग किया गया, उसे बसोरन कहकर संबोधित किया गया। और जैसे कि हम पिछले 50 वर्षों में हमारा समाज एक छुआछूत का शिकार हुआ करता था, आज जब हमारे बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा, हमको खड़ा होने का अधिकार दिया, बात करने का अधिकार दिया, इस समय हमारे समाज को जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया, इससे हमारे संविधान को भी ठेस पहुंचता है, हमारे समाज को भी ठेस पहुंचा। मैं चाहता हूं कि ये जो कटहल फिल्म के डायरेक्टर हैं और जो उसमें कलाकार हैं, उन सभी के ऊपर हरिजन एक्ट की कार्रवाई हो और जो कटहल फिल्म के जो शब्द जुड़े गए हुए हैं उनको उस फिल्म से अलग करा जाए। शैलेन वंशकार, वंशकार समाज का अध्यक्ष। सभा की तरफ से मुझे बुलाया गया था, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति मोर्चे में, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर कैलाश जाटव। जिस तरीके की शब्दावली मैंने देखा है वीडियो में, जिस तरीके की शब्दावली उसमें इस्तेमाल की गई है, तो हमारी पूरे समाज के लोगों की मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और डायरेक्टर और निर्देशक के ऊपर कार्रवाई हो, SC ST Act के ऊपर कार्रवाई हो और जो भी डायलॉग्स हैं उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से अलग किया जाए।